आज पूरा भारत जवाहरलाल नेहरू जी को याद कर रहा है, आज उनका जयंती मना रहा है। निःशुल्क से आज हम देखे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से नेहरू जी के योगदान को भुलाने का प्रयास कर रही है। याद उठा के देखे जब इस देश में जहाँ सुई तक नहीं बनती थी, उन्होंने तो आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी थी। इतने कारखाने लगाए थे, इतना साइंस के क्षेत्र में काम करा था। आज भारत उसमें तरक्की कर रहा है जहाँ सुई तक नहीं बनती थी, आज वो उसमें लगातार इस देश को उन्नति विकास के लिए उन्होंने जो जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से आज सराहनीय है। और उनके स्थापित जो संयंत्र थे आज उनको मोदी सरकार बेचकर अपना खर्चा चला रही है, तो निश्चित से आज भारत पूरा जवाहरलाल नेहरू जी के इतिहास को याद कर रहा है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का जन्मोत्सव बड़ा हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसा बताते हैं कि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, कहीं ना कहीं आज के दिन को उनके बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राधे जायसवाल जी, हमारे सबके लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब के निवास स्थान पर आज हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई है। उसमें महिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं सभी से निवेदन करूँ की पुष्प फिर हम उद्बोधन चालू रखेंगे। आप संबोधित कर रहे हैं श्री अयुब कांग्रेस जी। प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है और आज जैसा कि हम जानते हैं देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस और कम्युनिस्टों की भूमिका के अलावा बाकी सब सुन रहे हैं, लेकिन आज वो ताकतें देश के अंदर हावी हुई है जो आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों की गोद में बैठकर झुंझुना बजाते थे। आज वो चैलेंज कर रहे हैं देश की आज़ादी को। और अभी तो इतना घटिया काम चालू हो चुका है कि 1955 में जो भारत रत्न का सम्मान पद्मश्री जो शुरू किया गया था, आज उसको घटिया स्तर के लोग जिनका इतिहास से, साहित्य से, किसी संस्कृति से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोगों को वो मतलब आसानी से दिया जाने लगा है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज वो हम आप लोगों ने पेपर पढ़ा, कल से देख रहे हैं हम पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कि उनने 1947 की आज़ादी को चैलेंज कर दिया है कि वो तो भीख में मिली थी। और 2014 के बाद की आज़ादी, उन्होंने कहा 2014 के बाद आज़ादी हमें मिली है। उसके ऊपर रात में डिबेट भी थी, मैं बैठा हुआ था डिबेट में और मैंने स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा के जो पैनलिस्ट थे उनसे मेरी बहस हुई थी। हमने उसमें कहा कि 2014 के बाद आज़ादी नहीं मिली है, देश गुलाम हुआ है और देश की आज़ादी में जो मिली हुई विरासत थी उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा, हिटलर का राज चल रहा है। कहने का मतलब ये एक शेर के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगा, जब भी खून की चमन को जरूरत पड़ी, जब भी खून की चमन को जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमको ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। इतना खतरनाक मोड़ पर भारत आज खड़ा हुआ है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम कांग्रेस के छोटे छोटे सिपाही हैं और एक एक ईंट इस बिल्डिंग को बनाने में महत्वपूर्ण काम करती है। हम अपने आप को एक अच्छा सिपाही मानकर और आज से प्रण ले लें कि हम देश को ऐसे लोगों से मुक्त कराकर फिर से जो ये 2014 की आज़ादी बोल रहे हैं हम, 2014 के बाद जो गुलामी आई है उससे आज़ादी लेंगे हम, ये संकल्प लें। आज का दिन है नेहरू जी की पुण्यतिथि पे अवसर पर,
आज हम लोगों को शपथ लेने का दिन है। मेरी यही इच्छा है सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज शपथ लें। ठीक है, आज 14 नवंबर है, आज नेहरू जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज भाई दिलीप जी गुर्जर विधायक जी के यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा है। और हमारे सारे नेहरू जी के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो सबसे पहले कांग्रेस की प्रधानमंत्री हैं। विधायक जी के निवास स्थान पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो बच्चों के बहुत प्रिय थी और जो बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करते थे, इस देश की आज़ादी करने में उनका बहुत योगदान था। वो पढ़े लिखे समझदार और एक ग्रेजुएट परिवार से थे, सक्षम थे। उसके बाद भी उन्होंने कई वर्षों तक जेल में रहे और इस आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। उनके परिवार में जब बीमार थे, अंग्रेजों ने बोला नहीं आप जाओ हम आपको एक दिन की छूट देते, तब भी उन्होंने मना कर दिया, नहीं बोले जब तक देश आजाद नहीं होगा मैं जेल से नहीं जाऊंगा चाहे मेरा परिवार रहे या नहीं रहे। ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री के चरणों में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सत्सर नमन करता हूँ और निश्चित ही उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चले, यह आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं। और अब कांग्रेस को आगे बढ़ाने में आप सब लोग अपना सहयोग दें और पुनः एक बार और मैं पूर्व प्रधानमंत्री जी के चरणों में सत्सर नमन करता हूं। आज पूरा देश नहीं पूरा विश्व उनकी जयंती मना रहा है। धन्यवाद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी का जन्म दिवस है, उनको हम बहुत बहुत नमन करते हैं। उनको बच्चों से बहुत लगाव था, उसी को आज बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके लिए भी हम सभी देशवासियों को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। नेहरू जी ने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 1923 से वो जो है लड़ाई में शामिल थे और उन्होंने लगातार संघर्ष करा, जेलों में रहे और ऐसे सैकड़ों हमारे महापुरुष थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, बलिदान दिया और फांसी के फंदे पर झूले, लाठियां खाई, काला पानी गए, लेकिन देश को आज़ादी की लड़ाई लड़के और जीत दिलाई। और आज कुछ भेदुपिये जो देश में उस टाइम जासूसी करते थे, वो लोग आज उस आज़ादी की लड़ाई को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, भाजपा ने जो नमूने छोड़ रखे हैं देश के अंदर, वो कभी चाचा नेहरू के ऊपर उंगली उठाते हैं, कभी गांधी जी पे उंगली उठाते हैं, कभी आजादी पे, ये देश ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। आज युवा देश में लगातार आत्महत्या कर रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार जो है देश के अंदर हालात खराब है और हमें ऐसी ताकत देशद्रोही ताकतों से लड़ना पड़ेगा और हमारे देश को विकास की ओर ले जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जो भी आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं वो प्रण लें कि हम मजबूती से इसी ताकतों का सामना करें और मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।